हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू रघुनंदन मनी। आज का ये वीडियो सेशन रघुनंदन मनी के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर है, जो कि पावर्ड बाय चार्ट IQ है। और चार्ट IQ काफ़ी फेमस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, और इसमें टेक्निकल टूल्स भी काफ़ी हैं जो अभी आप देखेंगे। तो सबसे पहले हम रघुनंदन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर पहुँचते हैं। इसके लिए हमें लॉग इन करना है ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। अपना यूजर आईडी डालना है, पासवर्ड, कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा इस पर। ये तो पिछली वीडियो में हम जान ही चुके हैं ये सारे कंटेंट्स के बारे में। अब आगे पर्टिकुलर चार्टिंग पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कोई स्क्रिप्ट ओपन करते हैं। सपोज हमने निफ्टी का चार्ट ओपन किया, निफ्टी के चार्ट ओपन करने पर ये सारी डिटेल्स सामने आपके ओपन होगी। यहाँ चार्ट है, ये बेस्ट 5 बायर एंड सेलर दिखाएगा, बाकी ये वॉल्यूम और प्राइस का डाटा शो करेगा। उसके बाद हमें इसको लार्ज कर लेना है, वो कि यहाँ आपको दिखेगा ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से ओपन होगा, आप देख सकते हैं चार्ट, आर्ली चार्ट लगा हुआ है ये। तो सबसे पहले इसमें इसका इम्पोर्टेंस क्या है, और इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि चार्टिंग से अपन क्या क्या कर सकते हैं। और सबसे पहले तो ये यूजर इंटरफेस और डाटा विजुलाइजेशन काफी अच्छा है इसका। आप देख रहे हैं कितना स्मूथली ओपन हो रहा है और चल रहा है। किसी भी कैंडल पर अपन देख रहे हैं तो डाटा डिस्प्ले हो रहा है। अब यहाँ पर अगर हमें और अच्छी तरह डिस्प्ले करना है तो ये आपको दिख रहा होगा इन्फो स्टैटिक, इस पे आप क्लिक करेंगे तो जिस भी आप कैंडल पर एरो को रखेंगे उसका सारा डिटेल इसमें आ जाएगा। सपोज ये मैंने रखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं इसमें LTP, ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये सारी वैल्यू दिखाएगा इसके अंदर, और वॉल्यूम। ठीक है, अगर आप इस तरह से ना देखना चाहें, आप क्रॉस हेयर से देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। ये इस तरह से ओपन होगा, ये हर टाइम फ्रेम पर कैंडलस्टिक का डिटेल्स देगा, जिसमें आपका इंडिकेटर का डिटेल होगा और पर्टिकुलर टाइम पर कितना मूवमेंट हुआ है वो सारा यहाँ पर शो करेगा टाइम के साथ। ठीक है, और यहाँ पर इजीली ड्राइंग टूल्स आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ लेफ्ट साइड पर देखेंगे, ये देखिए ड्राइंग टूल्स, ये सारे ड्राइंग टूल्स हैं। इसमें आपको पैरेलल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, मैसेज, स्विंग, ये आपको देखने को मिल जाएगी। और रिट्रेसमेंट, जैसे कि सपोज आप रिट्रेसमेंट यूज करते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, वो ये आपको मिल जाएगी देखने के लिए। एक्सटेंशन, ये सारी चीजें हैं जो एक टेक्निकल एनालिसिस में यूज होती हैं, वो आपको इजीली मिल जाएंगे और बहुत ही स्मूथली ओपन होता है, जिसको लेकर आप अपनी एनालाइजिंग कर सकते हैं।
यहाँ से आप सपोज कोई टूल आपने प्लॉट किया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ से आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं, ये जैसे मैं कर रहा हूँ आप देख सकते हैं। ये सेलेक्ट किया, अगर कोई चार्ट पर इंडिकेटर प्लॉट किया है तो वो मैंने सेलेक्ट किया, तो मैं डायरेक्ट डिलीट भी मारता हूँ तो वो वहाँ से हट जाएगा। ये देखिए, आप उस पर्टिकुलर ड्राइंग पर सेलेक्ट करें और उसको डिलीट मार सकते हैं डायरेक्ट इजीली। अब ये देखिए, ये जैसे पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन है मैंने ड्रॉ करे, सॉरी ये फिबोनाची का, तो मैंने इस पर अगर ये सेलेक्ट किया और इसको डायरेक्ट जाके मैं इसको डिलीट मार दूंगा तो ये हट जाएगा। मैं दोबारा यहाँ से एरो ले लेता हूँ जिससे कि कोई सेलेक्ट ना हो इसमें ड्राइंग, और अगर कोई ड्राइंग सेलेक्ट हो जाती तो उस पर उसको दोबारा क्लिक करने पर वो ड्राइंग वहां से हट जाएगी। जैसे सपोज मैंने ये किया, अब मैं इसको यहाँ से हटाना चाहता हूँ, तो इसको मुझे दोबारा उसी ड्राइंग पर क्लिक करना होगा तभी वो हटेगा, और फिर मेरे को एरो लाना है तो फिर नो टूल हो जाएगा। मीन्स एरो आने पर अपने को केवल प्राइस का डाटा शो करेगा बस। अब मेरे को ड्राइंग अगर हटानी है यहाँ से तो ये मैं क्लिक करता हूँ उस पर तो ड्राइंग हट जाएगी। अब इसमें जो आप चार्ट देख रहे हैं अभी आर्ली चार्ट है, आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज मेरे को 5 मिनट का देखना है तो 5 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा यहीं से, और नीचे वाले जो टाइम फ्रेम दे रखे हैं ये आपको उस पर्टिकुलर, जैसे कि 5 डे है तो 5 डे का डेटा इसमें शो करेगा। अगर आप 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं तो 5 डे का जो डाटा है वो 5 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि ये यहाँ पर मैंने किया 5 डे और 5 मिनट, तो ये जो पिछले 5 दिन का डाटा है वो यहाँ पर आपको शो करेगा इस तरह से। लेकिन मैं 1 दिन का ही देखना चाहता हूँ तो यहाँ पर 1 डे करेंगे, दिखाएगा वो 5 डे क्योंकि हमने ऊपर 5 डे सेलेक्ट कर रखा है, और वो लास्ट डे का पूरा, आज तो क्लोजिंग हो गया है तो अब तक का पूरा डाटा शो करेगा। अगर हम इसे 6 मंथ का करेंगे तो 6 मंथ का शो करेगा डेली चार्ट में। ऑल करेंगे तो ये आपको अब तक का जो भी कॉन्ट्रैक्ट अब लॉन्च हुआ है उसका पूरा डाटा शो करेगा। तो यहाँ से आप अपना टाइम फ्रेम चेंज करके मल्टी टाइम फ्रेम आप सेलेक्ट कर सकते हैं, 4 आवर 1 आवर जो भी आपका टेक्निकल में बन रहा हो उस पर आप देख सकते हैं। और काफी डाइवर्स ऑप्शन है, आप है ना कहीं पर भी यहाँ से इजीली एक्सेस कर सकते हैं टूल को, ड्राइंग को, ऐसा कोई आपको हर्डल नहीं फील होगा। सपोज आपको है ना यहीं से बाय सेल लेना है तो आप पर्टिकुलर स्क्रिप्ट खोल रखी है आपने, सपोज मैंने SBI में जाना है, सो SBI मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, SBI इक्विटी सेलेक्ट किया, यहां से मैं ये ओपन हो गया। अब मैंने इसको ऑल टाइम किया तो ये आप देख सकते हैं 2000 से अब तक का डाटा इसमें शो कर रहा है, यानी कि इसका ऑल टाइम जो डाटा है वो यहाँ पर आपको शो करेगा। अगर आप 5 ईयर का शो देखना चाहते हैं तो इक्विटी के 5 ईयर, लेकिन अगर ये कॉन्ट्रैक्ट वाइज कोई स्क्रिप्ट लगी हुई है तो वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन रिलीज हुआ है उस दिन से अब तक का डाटा शो करेगा, उसमें ये 5 ईयर का नहीं होगा।
तो यहाँ पर आप जाके अगर आपका कुछ इंडिकेशन मिला है, आपने टेक्निकल में देखा ब्रेकआउट या जो भी है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट जाके उसको बाय सेल यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बाय लिखा हुआ है, क्योंकि ये डेमो अकाउंट है तो ये मैं इनिशिएट नहीं कर सकता, लेकिन आप एक्चुअल अकाउंट में कर सकते हैं। तो यहाँ से आप डायरेक्ट बाय सेल, और अपना विंडो ओपन होगा जिसमें आप सेलेक्ट करके क्वांटिटी लेकर आप डायरेक्ट इनिशिएट कर सकते हैं अपना बाय सेल। अब सबसे पहले हम आते हैं डिस्प्ले में। तो डिस्प्ले में अगर आप देखेंगे, क्योंकि जितना भी है ना प्राइस मूवमेंट हुआ है, वो एक चार्ट बना के देता है। तो डिफरेंट चार्ट में आप देख सकते हैं, आप उसको बार चार्ट में भी देख सकते हैं। जैसे कि अभी तो कैंडल स्टिक चार्ट है जो कि मोस्ट पॉपुलर है, तो आप उसे बार चार्ट में भी देख सकते हैं, आप उसको लाइन चार्ट में भी देख सकते हैं। जिस फॉर्मेट में आप देखना चाहें, वो सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं, नंबर ऑफ फॉर्मेट हैं इधर, और स्पेशल चार्ट जैसे कि हेकेनासी है, कागी लाइन ब्रेक, थ्री लाइन ब्रेक है, रैंको, ये भी काफी स्पेशल चार्ट हैं। उनको भी आप है ना सेलेक्ट करके वो इमीडिएट कन्वर्ट करके दे देगा आपको। सो इसके बाद पर डिसीजन लेना भी इजी रहेगा। यहाँ पर चार्ट प्रेफरेंस में आप है ना इसके टूल्स हैं, इनको है ना सेलेक्ट करके आप उसको नए फ्रेम में चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको नाइट इसको उस इंटरफेस में देखना है, तो यहाँ ऐसे सेलेक्ट करके आप इसे नाइट कर सकते हैं। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर आप डे में सेलेक्ट करेंगे थीम, तो डे में आ जाएगी इस तरह से। मतलब बिल्कुल इजी है, आप है ना एक क्लिक से आप है ना सारी चेंजेस कर सकते हैं, और अपना एनालाइजिंग इस पर कर सकते हैं। यहाँ से अपना कोई भी एक सिंबल है या चेंज कर सकते हो, सेम फी है, ये देखिए इन्फी इक्विटी, अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च है तो वो देख सकते हो, ऑप्शन कोई स्ट्राइक है तो वो यहाँ से डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, और वो इमीजिएटली जो भी ड्राइंग कर रखी है आपने चार्ट में वो यहाँ पर शो हो जाएगी। जैसे सपोज मैंने इन्फी किया, देखिए इन्फी ओपन हो गया इन्फोसिस। अब सपोज मेरे कोई भी इंडिकेटर लगा रखे हैं, या फिर है ना मैंने कोई भी ड्राइंग कर रखी है, मैं उसको एक पर्टिकुलर उस नेम से सेव करना चाहता हूँ, वो यहाँ पर आप सेव कर सकते हैं। तो जब भी आप चार्ट ओपन करेंगे, सपोज मैं यहाँ पर सेव करता हूँ आर्मनी के नाम से, ये देखिए, तो मेरे को दोबारा उसको लगाने की जरूरत नहीं है। वो आप आर्मनी सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर व्यू में और ओपन करेंगे, तो वही आपको चार्ट ओपन हो जाएगा जो, और सारे टूल भी वही उसके साथ दिखेंगे। ये देखिए, तो ये देख सकते हैं इसमें डाटा विजुअलाइजेशन भी काफी अच्छा है, और थीम आप चेंज कर सकते हैं डे या नाइट, और अपने सेव भी कर सकते हैं चार्ट को। अगर आप क्रॉप करना चाहते हैं, सपोज कोई स्पेशल कोई ओकेजन है तो उस पर आप सेव करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से क्रॉप भी कर सकते हैं, ये पर्टिकुलर दिया हुआ है। ये देखिए, ये मैंने ये
इस तरह से ये प्रिंट भी आपका हो जाएगा, और आप है ना उसको सेव करके रख सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने इसको प्रिंट किया था, तो ये आप सेव भी कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है, और इसमें हमने देखा यूजर इंटरफेस, हमने देखा और चार्टिंग डिस्प्ले कैसा होता है, और चार्टिंग विजुलाइजेशन और डाटा विजुलाइजेशन इसका देखा हमने। बाय सेल हम इनिशिएट कर सकते हैं डायरेक्ट इस चार्ट में। आगे अगली वीडियो में और इस पर डिटेल्स में जाएंगे। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फीडबैक जरूर शेयर करें। धन्यवाद।